तो नीतीश बाबू को तो खेल कूद से मतलब नहीं, उनको एक ही खेल आता है राजनीति वाला, कैसे पलटी मारा जाए। तो कम से कम क्रिकेट के लिए इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में बना लिए, तो राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए जो ख्वाब देख रहे हैं, जनता दल यू और राजद का बिहार में होगा मर्जर, सारा लोग चले जाते हैं, उनको पार्टी यानी कनेक्ट करते हैं। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, रामचंद्र बाबू और कहां से इनका अपना कुछ बचा है जी जो राष्ट्रीय बने। बिहार तो बच नहीं पा रहा, सब बिहार का बच्चा लोग हमारे गांव में जाइए, सब क्रिकेट खेलता है और सबके जुवान में भी ईशान अपना जो लड़का है किशन, ईशान किशन के कर रहे ना, क्यों कि साहब डबल सेंचुरी मार दिया। लेकिन बिहार सरकार को शर्म आनी चाहिए, नीतीश बाबू को सोचना चाहिए कि आप उसे बधाई क्या दे रहे हैं, लड़का खेलता कहाँ से, पैदा लिया बिहार में और खेलता है झारखंड से। आपने बिहार में कोई स्पोर्ट्स की सुविधा नहीं बनाई, क्रिकेट की सुविधा नहीं बनाई, तो नीतीश बाबू को तो खेल कूद से मतलब नहीं, उनको एक ही खेल आता है राजनीति वाला, कैसे पलटी मारा जाए। लेकिन कम से कम जो उनके उप मुख्यमंत्री हैं आदरणीय तेजस्वी जी, वो क्रिकेटर हैं, तो मैं अनुरोध करूँगा तेजस्वी जी से कि बिहार के बच्चों में इतना अच्छा टैलेंट है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, तो कम से कम क्रिकेट के लिए इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में बना लिए कि हमारे बिहार के बच्चों को झारखंड जाके क्रिकेट ना खेलना पड़े। राष्ट्रीय अथी नालंदा में सब सीट जीत लेते हैं ना, दो सीट छोड़ के जी, अब जरा आएंगे ना नालंदा में पता लग जाएगा इनको। तो राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए जो ख्वाब देख रहे हैं, कहाँ कह रहे हैं नागालैंड में हमारा परफॉर्मेंस, नागालैंड में की पार्टी है जी, अरुणाचल में लड़े तो थे, मणिपुरी में लड़े तो थे, मणिपुर में क्या हुआ उसके बाद, सारा लोग चले जाते हैं, उनको पार्टी यानी कनेक्ट करते हैं। हाँ, राष्ट्रीय पार्टी बनने का कैसे ख्वाब दे रहे हैं जरा जान लीजिए, जनता दल यू और राजद का बिहार में होगा मर्जर, पार्टी हो गई, कर्नाटक में जेडीएस के साथ मर्जर हो गए तो कर्नाटक में वो मान्यता प्राप्त है, ये सब सोच है इनका। और कहाँ से इनका अपना कुछ बचा है जी जो राष्ट्रीय बने, बिहार तो बच नहीं पा रहा है। हमने बताया ना कि अभी MCD दिल्ली में रहनी, तो हमको भी कोई कहता ना कि बिहार में सड़क नहीं है तो हम कहते झूठे बोल रहे हैं, ग्रामीण सड़कें बची ही नहीं है, क्या विकास की बात करते हैं। और आप कहिएगा, आज मैं देख रहा था भाई, आज इनका पटना में सम्मेलन खत्म हुआ, क्या दावा कर रहे हैं, 40 में 40 सीट जीते, आज बोले हैं, उनको कह दीजिएगा कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जितना लंबा बोल रहे हैं ना, भाषण करें ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष बता दें कि कौन सीट पर लड़ेंगे जहां उनकी जमानत बचेगी। 40 सीट तो छोड़ दीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष इनकी पार्टी के जो नए बने हैं उनकी जमानत जब्त होने वाली है। बोल रहे हैं कि बीजेपी बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, रामचंद्र बाबू आए बहुल भैया जिंदाबाद।